हमारे साथ ऋचा सिंह जुड़ी हुई है। ऋचा जी, कांग्रेस मजबूत होती हुई, राहुल गांधी का कमाल तो अभी आपने देख ही लिया, अब प्रियंका गांधी भी मैदान में उतरती हुई। देखिए, कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है और राहुल गांधी जी का क्या कमाल है, ये तो 2024 के आम चुनाव में पूरे देश ने देख लिया, जब कांग्रेस पार्टी 99 सीट का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। और रही वायनाड की बात, तो देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की राजनीति से कभी निकल नहीं पाई, और चूंकि परिवारवाद की राजनीति में कांग्रेस पार्टी इस कदर घिरी हुई है कि इनको जब अपने परिवार के लोगों को लड़ाना होता है तो उसके लिए भी ये सेफ सीट ढूंढते हैं। सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी को अपनी सीट पर प्रोजेक्ट करती हैं, राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, और राहुल गांधी जी को जब एक सीट चुनना होता है तो वो वायनाड छोड़ते हैं तो वहां पर अपनी बहन को प्रोजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि उनकी बहन उत्तर प्रदेश में या किसी भी सीट पर जहां पर उनके लिए सेफ सीट नहीं है वहां पे लड़ पाएंगे और मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी को खुद अपने नेतृत्व पर ही भरोसा नहीं है। अच्छा। तो आप ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में वायनाड से लड़ने के लिए उनको कोई कांग्रेस का आम कार्यकर्ता नहीं मिला। सोनिया गांधी राहुल गांधी जी को लेकिन उन्होंने आप लोगों को 240 पे जरूर रोक दिया। बिल्कुल, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए अलायंस को इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इस देश को अपना परिवार मानते हैं, वो गंगा को अपनी माँ मानते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो अपने परिवार को ही देश मानने की गलती कर रही है लगातार, और यही कारण है कि 70 सालों में नाना नानी दादा दादी माँ बेटी बहन और यही चला आ रहा है। और रॉबर्ट वाड्रा जी भी अभी अमेठी से अपनी ताल ठोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बात अलग है कि अभी उनको मौका नहीं दिया गया है। तो ये पूरा परिवारवाद के शिकंजे में जकड़ी हुई पार्टी है, और आपने देखा कि अगर इतना ही नेतृत्व में भरोसा होता तो मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में 2024 में पूरे देश में सबसे कम सीटों पर लड़ने का काम किया है, मात्र 238 सीटों पर लड़ने की हिम्मत कांग्रेस पार्टी जुटा पाई। कांग्रेस कमजोरी नजर आ रही है, अभी भी आप इसमें परिवारवाद ढूंढ रहे हैं। मैं रुक कर लेती हूँ केपी मलिक साहब का। मलिक साहब, परिवारवाद ढूंढा जाए या कांग्रेस किस तरह से धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करती हुई, अपने सदस्यों को मजबूत करती हुई उस दिशा में जाती हुई, और सबसे अहम सवाल ये कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के राजनीतिक डेब्यू के लिए दक्षिणी क्यों चुना? देखिए शिल्पा, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या कोई जो राज्य के छोटे दल हैं वो, परिवारवाद से बचना बहुत मुश्किल है। क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? कश्मीर से लेकर केरल तक तमाम परिवार की तीसरी चौथी पीढ़ियां राजनीति कर रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी परिवार का विरोध करती है तो सबसे पहले तो इनको एक आदर्श साबित करने के लिए अपने लोगों के टिकट काटने चाहिए परिवारवाद के। खैर, आपने सवाल प्रियंका पे पूछा है, कांग्रेस की रणनीति रही है कि वो राहुल गांधी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो प्रियंका को इसलिए लेट लेके आए हैं कि अभी राहुल गांधी भी उस भूमिका में नहीं आए थे कि वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी को संभाल लें और प्रियंका गांधी को भी ले आए, तो कहीं उनको खतरा था कि दोनों ही इस चीज में सफल ना हो पाए। और आज की डेट में क्या उपाय है कि पिछले दिनों जो हजारों किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने की है उसमें कहीं ना कहीं उनको धरातल पे और जमीनी जो मुद्दे हैं वो देखने सुनने को मिले, और उससे कहीं ना कहीं उसका फायदा इन चुनाव में भी उनको मिलता दिखा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी थोड़े परिपक्व हुए हैं, लेकिन 100% वो अभी परिपक्व हो गए हैं मैं ये भी नहीं कहूँगा। दूसरा, अगर राहुल गांधी के मुकाबले देखा जाए या हम तमाम पिछले चुनाव में भाषण सुने, तो प्रियंका गांधी ने ये चीज साबित की है कि वो एक परिपक्व नेता हैं, सदैव हुए भाषण देती हैं, बहुत अच्छी भाषा पर उनकी पकड़ है और वो कंटेंट पे बोलती हैं। अब कांग्रेस पार्टी और उनके परिवार को भी लगता है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस चल नहीं सकती, ये सबको पता है, जाहिर सी बात है, बिना उस परिवार के कांग्रेस में कुछ नहीं हो सकता। और मुझे लगता है उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि प्रियंका गांधी को साउथ से लाया जाए और यूपी से राहुल गांधी को लाया जाए, ताकि पार्लियामेंट में ये हम जता सकें कि हम पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, ना कि उत्तर प्रदेश या किसी विशेष राज्य। इसीलिए दक्षिण चुना गया।